सो गाइस, 4th एंड 5th दिसंबर का एनालिसिस जो है वो हमारा पेंडिंग था, तो आज हम उसको खत्म कर देते हैं क्योंकि एक वन ऑफ द न्यूज़पेपर वाज स्मॉल, तो मैंने कंबाइन कर दिया है. एंड या प्लीज डू लाइक दिस लेक्चर, डू कमेंट कि आपको कैसा लगा, एंड ऑल्सो डू शेयर विद अदर्स. एंड आप हमारी वेबसाइट loggery.in विजिट कर सकते हैं अगर आपको लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, MHCET, CUET जैसे खरीदने हैं, या करंट अफेयर्स के लेक्चर्स खरीदने हैं अगर आपका मिस आउट हुआ है या आप चाहते हैं रिविजन आपकी हो जाए, तो ये मई से लेकर सितंबर तक के अवेलेबल है 2023. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक दैट आउट. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. ठीक है, 1/3 ऑफ ऑल 2022 सुसाइड्स वर ऑफ डेली वेज अर्नर्स फार्मर्स, सेज NCRB. तो यहाँ पे इंडिया रिपोर्टेड अ टोटल ऑफ ओवर 1.7 लाख सुसाइड्स इन 2022. ठीक है, इंडिया में 1.7 लाख सुसाइड्स हुए 2022 में, नियरली 1/3 ऑफ होम वर डेली वेज अर्नर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स फार्मर्स. द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट सेड. तो ये पहले तो रिपोर्ट का नाम लिखेंगे, दैट इज द नेशनल, सॉरी, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, दैट इज RC 2022. अब देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये वाली जो रिपोर्ट है ये किसने लिखी है. ठीक है ना, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रिपोर्ट बाय NCRB, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. ठीक है, NCRB की भी फुल फॉर्म हमसे पूछ सकते हैं, जो NCRB की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. अब यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि 2022 में जो 1/3 डेथ्स हुई हैं वो किसकी हुई हैं, 1/3 ऑफ सुसाइड्स बाय डेली वेज अर्नर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स. ठीक है, इन 2022. ठीक है, उसके बाद द रिपोर्ट अलॉन्ग विद NCRB's एनुअल क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड ऑन संडे. तो यहाँ पे एक और कौन सी रिपोर्ट थी, ठीक है ना, NCRB ऑल्सो रिलीज्ड एनुअल क्राइम इन इंडिया. ठीक है ना, कहाँ पर, कौन सी स्टेट में कौन सा क्राइम ज़्यादा है कम है, ये सारी रिपोर्ट भी कौन रिलीज करता है, एनुअली ये रिलीज करता है NCRB. ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान कंटिन्यू टू फिगर इन द टॉप ऑफ 5 स्टेट्स विद द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स एंड एट्रोसिटीज कमिटेड अपॉन SC and ST. ये स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे क्राइम कमिट किए जाते हैं, पर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से. मिजोरम में कौन सी पार्टी आई है, तो ये लिखेंगे मिजोरम में इलेक्शंस हुए थे, विक्ट्री कौन सी जीती, जोरम पीपल्स मूवमेंट दैट इज ZPM. क्या है ये, मिजोरम कौन सी पार्टी है, जोरम पीपल्स मूवमेंट. ठीक है जी, उसके बाद राज्यसभा ऑन मंडे पास्ड अ बिल, पोस्ट ऑफिस बिल टू गवर्न ऑल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिसेज सच एज सेविंग अकाउंट, बेनिफिट ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस स्कीम्स. ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बिल जो है वो पास हुआ है और ये इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो 125 ईयर ओल्ड है उसको रिप्लेस करेगा. सेवरल ऑपोजिशन मेंबर्स अपोज द बिल इन इट्स इंटायरिटी और पार्ट्स ऑफ इट दैट अलाउ इंटरसेप्शन ऑफ द मेल ऑन ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. अब आप कुछ भेज रहे हैं तो उसकी चेकिंग अलाउ कर दी गई है, किस ग्राउंड पे, अगर ऐसा लगे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स को खतरा है, पब्लिक ऑर्डर के लिए, इमरजेंसी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर लॉज के लिए. ठीक है, तो इसके ऊपर ऑपोजिशन मेंबर्स वर नॉट रियली हैप्पी. अब इसके अंदर लिखेंगे राज्यसभा
राज्यसभा राज्यसभा राज्यसभा पास्ड राज्यसभा पास्ड पोस्ट ऑफिस बिल। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से निकल कर आ सकता है वो ये है कि किस बिल को रिप्लेस किया। रिप्लेसेस पोस्ट ऑफिस एक्ट रिप्लेसेस पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्ट कौन कब का है। 1898 का ये एक्ट है। कब का है? 1898 का एक्ट को ये रिप्लेस करता है। द बिल द गवर्नमेंट सेल विल इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एज अ मैसेंजर सर्विस एंड एज अ प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। अब ये बिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ देखिए पोस्ट ऑफिस हमें पता है कि वो क्या करता है, लेटर्स इधर उधर भेजता है, कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड भी ऑलमोस्ट करता है, सामान इधर उधर भेजने के लिए यूज़ करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज भी होती हैं, पैसे डिपॉजिट भी करवाए जाते हैं वहाँ पर। तो ये बिल जो है क्या करेगा, इंश्योर, बिल क्या करेगा, इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग, इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ मैसेंजर सर्विस and of messenger service and banking facilities. The opposition citing the provisions empowering any officer to intercept, open or detain any postal item in the interest of security of state, ठीक है ना, the bill allows, bill empowers, power देता है ये, empowers any officer to intercept, open or detain any postal item in the interest of security of state। तो अब इसके अंदर वो क्या कह रही है ऑपोजिशन कि ये क्योंकि फ्री हैंड दे रहे हैं ऑफिसर्स को तो ये राइट टू प्रिवेसी जो है वो वायलेट कर रहा है। सेक्शन 9 ऑफ द बिल गिव्स द पावर टू इंटरसेप्ट ओपन और डिटेन एनी आइटम, जो भी ये सेक्शन 9 ऑफ द बिल ये पावर दे रहा है। कौन सा बिल? सेक्शन 9 ऑफ द बिल ये पावर दे रहा है और ऑपोजिशन इसी बात की है, ठीक है ना। अपोजिंग दिस ऑपोजिशन सेज राइट टू प्रिवेसी will be harmed, ठीक है ना। कोई भी मतलब वो कह रहे हैं कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो हार्म हो जाएगी अगर ये राइट दे दी जाए कि आप कुछ भी खोल कर देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का क्वेश्चन है तभी खोलेंगे। तो ये जो बिल है यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आने के चांसेस हैं उसको ग्रीन से मार्क कर लेंगे। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसको रिप्लेस कर रहा है और दूसरा यहाँ पर कि ऑब्जेक्शन कौन से उसके अंदर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप NL-SAT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से SA का क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर नेवी डे के ऊपर क्या हुआ, यस नेवी डे सेलिब्रेट किया गया, तो नेवी डे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, द प्राइम मिनिस्टर हु अर्लियर अनवेल्ड अ स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी एट द राजकोट फोर्ट सेड दैट द इंडिया ऑफ टुडे वॉज शेकिंग ऑफ द स्लेव मेंटालिटी। तो हमें स्लेव मेंटालिटी क्या है कि ब्रिटेन ने हमें रूल किया, ठीक है, वी वर देयर स्लेव्स, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इंडिया में वो स्लेव मेंटालिटी है जो वो रह गई है। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि हम उसको खत्म करें स्लेव मेंटालिटी को बाय मूविंग फॉरवर्ड इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ 17th सेंचुरी मराठा वॉरियर किंग द सिंधु दुर्ग फोर्ट इंस्टिल्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मिस्टर मोदी सेट वाइल लॉर्डिंग शिवाजीज foresight in recognizing the importance of naval capabilities of any nation. With pride in our heritage, I am proud to announce that the ranks in the Indian Navy will be renamed according to Indian culture. अब Navy Day पे क्या कहा गया, ठीक है ना, On Navy Day, PM said, क्या क्या अनाउंसमेंट हुई, सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई कि जो ranks हैं, ठीक है ना, ranks in Indian Navy will be renamed according to
अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ये जो नाम है ये रीनेम किए जाएंगे, ठीक है, रैंक्स के. दूसरा, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग वुमेन पावर, ठीक है ना, वर्किंग ऑन गवर्नमेंट, वर्किंग ऑन गवर्नमेंट, वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग वुमेन पावर, वुमेन पावर इन डिफेंस फोर्सेस, ठीक है ना, वुमेन का जो नंबर है वो बदलेंगे. लास्ट ईयर क्या किया गया था, आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट द नेवी फॉर अपॉइंटिंग द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑन अ नेवल शिप. यहाँ पे क्या है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, वुमेन कमांडिंग ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन अ नेवल शिप. तो इसका नाम, इनका जो नाम है वो ढूंढ कर नोट करेंगे. पेइंग होमेज टू रिच मैरिटाइम हेरिटेज ऑफ शिवाजी, ही सेड दैट द वॉरियर किंग सील हैज इंस्पायर्ड, ठीक है, शिवाजी द वॉरियर किंग्स सील हैड इंस्पायर्ड, had inspired new naval sign. अब जो new navy का sign था वो किससे inspired है, शिवाजी से. शिवाजी की जो seal थी, ठीक है, उन टाइमों में भी उनको navy की जो importance थी वो पता थी, तो उनकी तारीफ करी गई इस चीज़ के लिए, ठीक है ना. और जो न्यू नेवी का साइन है वो उन्हीं के किंग की सील से जो है वो इंस्पायर्ड है, ठीक है, विच वॉज अडॉप्टेड लास्ट ईयर. इसको सब पॉइंट बनाएंगे. ये जो सील थी ये कब अडॉप्टेड, लास्ट ईयर, ये साइन लास्ट ईयर, व्हेन INS विक्रांत कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है ना. ये जो सील थी ये पहली बार इस पर INS विक्रांत को जब हमने कमीशन किया तब वो लगाई गई, ठीक है. और INS विक्रांत के एयरक्राफ्ट कैरियर, सी के अंदर इसके ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड कर जाते हैं. इंडिजीनस मतलब इंडिया में बनी है, हमने खुद से बनाई है, ठीक है ना. तो हमें पता होना चाहिए हु इज द फर्स्ट वुमेन अपॉइंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन अ नेवल शिप. एनी वन इन द चैट सेक्शन जिसको पता हो, ठीक है, नहीं तो चैट्स में बता देना, नहीं तो इन द कमेंट सेक्शन आई एम गोइंग टू टेल. बट ये क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए दैट हु इज द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंटिंग ऑन अ नेवल शिप, ठीक है जी. ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कमांडर, कमांडर प्रेरणा डियो थाली, ठीक है ना. ये डियोज जो है थाली में लेके घूमती है, प्रेरणा कसौटी जिंदगी की सबको याद है, ठीक है, तो वहां से याद हो जाएगा. अब यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि अब तो पीएम ने भी बोल दिया है, ठीक है. 11 बॉडीज रिकवर्ड आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में वॉल्केनो इरप्शन हो गया, ये हमने नोट कर लिया था ऑलरेडी कि जो वॉल्केनो है कहाँ पर है, माउंट मरापी वॉल्केनो जो है वो इंडोनेशिया में है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं. 80 स्पैनिश मीडिया हाउसेस फाइल $600 मिलियन लॉसूट अगेंस्ट मेटा, क्यों उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज करी है. तो यहाँ पे लिखेंगे 80 स्पैनिश मीडिया हाउसेस फाइल्ड $600 मिलियन लॉसूट अगेंस्ट मेटा फॉर वायलेटिंग EU regulations ऑन extracting पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स, पर्सनल इंफॉर्मेशंस इंफॉर्मेशन एंड सेलिंग इट टू एडवर्टाइजर्स, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर के एडवर्टाइजर्स को सेल करी है. ये कहाँ पर हुआ है, स्पेन के अंदर, स्पेनिश मीडिया ने ये किया है.
ठीक है. नीडलेस डाइवर्जन वेनेजुएला में क्या हो रहा है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग एडिटोरियल एंड अ लॉन्ग कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे लिख लेंगे वेनेजुएला 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 बॉर्डर डिस्प्यूट. एक बार हम इसको समझ लेंगे तो हमें इसको समझ में मतलब याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सभी ध्यान देंगे यहाँ पर. वेनेजुएला बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है ये. वेनेजुएला हैज मूव टू होल्ड अ रेफरेंडम ऑन वेदर इट शुड एक्सरसाइज सॉवरेनिटी ओवर एक्जीक्यूबो अ वास्ट ऑयल रिच डिस्प्यूटेड रीजन दैट इज नाउ पार्ट ऑफ नेबरिंग गुयाना. पहला पैराग्राफ के अंदर वेनेजुएला एक कंट्री है, गुयाना एक और कंट्री है, उसके बॉर्डर लगता है वेनेजुएला के साथ. रेफरेंडम लोगों से पूछना, ठीक है ना. तो ये हम लिख लेते हैं और फिर इसके मीनिंग भी लिखेंगे. हो हेल्ड अ रेफरेंडम, हेल्ड अ रेफरेंडम वेदर, क्या पूछा लोगों से. रेफरेंडम टू आस्क पीपल, रेफरेंडम क्या होता है, आस्क पीपल ऑफ अ कंट्री अ क्वेश्चन कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है ना, उस पर वोटिंग करवाना कि तुम क्या चाहते हो. तो यहाँ पे पूछा गया वेदर इट शुड, वेदर वेनेजुएला शुड एक्सरसाइज सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस. सॉवरेनिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंस. तो लिखेंगे इंडिपेंडेंस ओवर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, ओवर एसी क्यूबो. व्हाट इज एसी क्यूबो, ये एक वो जगह है जहां पर वास्ट ऑयल रिच, वास्ट ऑयल रिच डिस्प्यूटेड रीजन दैट इज नाउ पार्ट ऑफ नेबरिंग गुयाना. अब यहां पे समझने वाली क्या बात है, वेनेजुएला जो है वो कह रहा है, पूछ रहा है अपने लोगों से कि क्या मुझे जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी चाहिए कि ये एरिया मेरा है, दिस इज माइन, ठीक है, जो कि अभी किसका है, अभी उनकी बॉर्डरिंग कंट्री जो है गुयाना जो है उसका है ये. बट इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल रिच, ये ऑयल रिच है और ऑयल बहुत महंगा होता जा रहा है, तो ऑयल रिच है, तो इसलिए उन्होंने पूछा और लोगों ने कहा कि हाँ आप एक्सरसाइज करिए इसके ऊपर इंडिपेंडेंस. रेफरेंडम का रिजल्ट आ गया है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे हैज कट ओपन ओल्ड वूंड्स एंड इन्फ्लेटेड टेंशंस बिटवीन साउथ अमेरिकन नेशंस, ठीक है ना. मतलब ये क्या है, बोथ आर साउथ अमेरिकन, बोथ आर साउथ अमेरिकन नेशंस, बोथ आर साउथ अमेरिकन नेशंस. ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में जब ऐसा कुछ आता है तो पूछ लेते हैं अच्छा ये कहाँ पर है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू वेनेजुएला इलेक्टोरल अथॉरिटीज मोर देन 95% ऑफ द वोटर्स सपोर्टेड द कंट्रीज क्लेम, ठीक है. रेफरेंडम में क्या कहा, 95% ऑफ द वोटर्स, 95% ऑफ द वोटर्स, 95% ऑफ द वोटर्स सपोर्टेड द कंट्रीज क्लेम, ठीक है ना. तो 95% ऑफ वोटर्स ने बोला कि हाँ भाई जो जो ये एक्जीगोबो जो भी है ये एसी क्यूबो, ठीक है ना, ये हमारा है, ठीक है, उसके ऊपर क्लेम हमारा होना चाहिए, ठीक है जी. अब आगे पढ़ते हैं. इट इज नॉट क्लियर दैट द वेन वॉट द गवर्नमेंट ऑफ प्रेजेंट निकोलस माडुरो इज गोइंग टू डू नेक्स्ट बट द फैक्ट ही हेल्ड द रेफरेंडम विद जस्ट मंथ्स. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वेनेजुएला में प्रेजिडेंट कौन है, प्रेजिडेंट इज निकोलस मदुरा होती है ना, और मदुरो, ठीक है, मदिरा और मदुरो, ठीक है. तो ये हैं. अब वहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं. देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वहाँ पर होने वाले हैं, तो बॉर्डर टेंशंस वो अलाइव रखना चाहते हैं और लोगों का ध्यान वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं. वेनेजुएला हैज ऑलवेज रिटेन क्लेम्स ओवर एक्जीक्यूबो विच इट सेज वॉज स्टोलन वेन द नॉर्थ साउथ बॉर्डर वॉज ड्रॉन बाय कलोनियल पावर्स ओवर अ सेंचुरी अगो. इन 1966 वेनेजुएला एंड द यूके एंटर्ड इनटू अ टेम्परेरी जिनीवा. अब यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पता चल रही है कि डिस्प्यूट है तो है क्या. और यहाँ पर हम दोबारा देखेंगे एज यूजुअल अगर कहीं पर बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है, मोस्टली चांसेस ब्रिटेन के होते हैं. तो यहाँ पर भी ब्रिटेन पीछे नहीं रहा, ठीक है. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेनेजुएला, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वेनेजुएला रिटेन्स क्लेम्स ओवर
ऐसी क्यूबो, ठीक है, स्टोलन व्हेन नॉर्थ साउथ बॉर्डर वाज ड्रॉन बाय व्हेन नॉर्थ साउथ बॉर्डर वाज ड्रॉन बाय कॉलोनियल पावर्स. ठीक है, इन 1966 वेनेजुएला एंड द यूके एंटर्ड इनटू अ टेम्पररी जिनीवा अग्रीमेंट. ये पढ़ेंगे, ठीक है, 1966 में वेनेजुएला एंड यूके एंटर्ड इनटू अ टेम्पररी जिनीवा अग्रीमेंट. On the border, Guyana was a British colony. तो गुयाना जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर आता था, ठीक है, और उन्होंने कहा to maintain status को, मतलब जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ये अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, while seeking to find a practical peaceful and satisfactory solution for all. ठीक है, तो 1966 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक अग्रीमेंट किया. तब जो गुयाना था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ठीक है, उन्होंने बोला कि अभी स्टेटस को रखते हैं, ठीक है, और फिर हम देख लेंगे कि प्रैक्टिकल पीसफुल सॉल्यूशन क्या है. और तब से गुयाना जो है वो ये प्लेस है एक्सी क्यूबो, ये किसके पास चली गई, ये चली गई गुयाना के पास. तो 1966 के अंदर ये अग्रीमेंट हुआ और तब से गुयाना के पास ये जो जगह का डिस्प्यूट है गुयाना के पास पहुंच गया, मतलब उसके पास ही है. अब यहाँ पर टेंशन ईज्ड व्हेन हुगो चावेस, मिस्टर माडुरोस लेफ्टिस्ट प्रीडिसेसर वाज द प्रेसिडेंट, बट व्हेन एन ऑयल बूम बिगैन, मतलब वो कहते हैं कि जब ऑयल में बूम नहीं था, ऑयल में पैसा नहीं था, तो देवर लाइक की कंसर्न नहीं थे. अब ऑयल के अंदर पैसा इतना है तो अब उनको ये कि हमारे पास आ जाए, ठीक है. गुयाना द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन लैटिन अमेरिका मेंटेन्स द 1899 बॉर्डर अग्रीमेंट बिटवीन इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम ब्रिटेन, रशिया एंड द यूएस इज फाइनल एंड अप्रोच द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 2018 रिक्वेस्टिंग अ रूलिंग. तो वो जो गुयाना है वो कहती है कि भाई 1899 में बॉर्डर अग्रीमेंट हुआ था, हम तो उसको मानते हैं. तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे गुयाना. अब यहाँ पे फैक्ट बताया हुआ, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन लैटिन अमेरिका मेंटेन्स दैट द 1899 बॉर्डर अग्रीमेंट बिटवीन इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम ब्रिटेन, रशिया एंड यूएस इज फाइनल, ठीक है. इट ऑल्सो अप्रोच्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 2018 requesting a ruling. अब इसके अंदर इन्होंने क्या आर्ग्यू किया, वेनेजुएला ऑन द अदर साइड हैज ऑलवेज आर्ग्यूड दैट इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ 1899 अग्रीमेंट. वेनेजुएला सेज और आर्ग्यूड इट वॉज येस. तो यहां पर वेनेजुएला कहता है वॉज नॉट पार्ट ऑफ 1899 अग्रीमेंट.
ठीक है जी। उसके बाद विच इट कॉल्स नल एंड वॉइड, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई अग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना, तो मेरा ही राइट है उसके ऊपर। When Guana moved the world court requesting a ban on referendum, the court refused to do so, but asked Caracas, मतलब capital of Venezuela, not to take any action. तो ये Guana वाले court भी गए थे कि भाई referendum नहीं होना चाहिए, ठीक है, but Miss Maduro has already dismissed the world court's jurisdiction over the dispute. He is under growing international pressure. अब यहाँ पे Venezuela के ऊपर US ने sanctions लगाए हुए थे। ये sanctions क्यों लगे हुए थे, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि 95% voters ने referendum के फेवर में वोट किया, बट यहां पर बात है 2019 के अगर हम न्यूज पढ़े तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस, यहां पे लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, एक मिनट, यूनाइटेड स्टेट्स, चलिए लिखे यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस, यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगाए किसके ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है कि उसको रोका कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है ना, और क्या करा, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एज अ इम्पोज सैंक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल बिजनेस, ठीक है, किस पे लगाए, प्रोड्यूसिंग एंड, एक मिनट इसको मैं अभी डिटेल में समझेंगे, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग क्रूड ऑयल। तो वेनेजुएला का मेन बिजनेस क्या है, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल डीजल ये सब बनता है, ठीक है, उसके ऊपर ही सैंक्शन लगा दिए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वर्ल्ड को नहीं बेच सकते। तो मतलब इनकी इकोनॉमी को हिट किया, क्यों किया, क्योंकि प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो जो है वो इलेक्शंस नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे फाइनली इलेक्शंस होने वाले हैं, बट ये ड्रामा कर रहे हैं रेफरेंडम एंड ऑल वाला, तो ये हमें पता होना चाहिए किसके बीच में है क्या है। जैसे अजरबैजान और अर्मेनिया का लास्ट ईयर तक डिस्प्यूट था, ठीक है, और बार बार न्यूज़ में आया था, वैसे अब ये ना कहीं ये है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमने बना लिए अपने नोट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडियन कंपनीज शुड इन्वेस्ट इन क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस, वो कह रहे हैं इंडियन कंपनीज जो हैं जो क्लाइमेट से वल्नरेबल हैं, जैसे कि यू नो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कोस्टल एरियाज का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है क्योंकि सी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कंट्रीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन आयरन एंड स्टील के अंदर। अब ये है कौन, ठीक है, हु इज दिस मोहम्मद नशीद, है कौन, मोहम्मद नशीद इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, अ ग्रुपिंग ऑफ 58 कंट्रीज, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मोहम्मद नशीद, मोहम्मद नशीद को रेड से लिखना है, मोहम्मद मोहम्मद नशीद सेज Indian companies, says Indian companies should invest in climate vulnerable नेशंस। तो क्या क्वेश्चन ये बन सकता है किसने क्या बोला, नहीं क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ये बनेगा कि मोहम्मद नशीद जो है वो कौन है, मोहम्मद नशीद कौन है। तो सबसे पहले तो दो पॉइंटर्स हैं, मोहम्मद नशीद जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ, मतलब पहले रह चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, ठीक है, और प्रेजेंट डेट में क्या है, ही इज द सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, दैट इज CVF, ठीक है। अब ना what is CVF, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम क्या है, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम लिखेंगे a grouping of 58 कंट्रीज, a grouping of 58 कंट्रीज दैट आर particularly vulnerable to natural disasters from climate change. मतलब जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, उनकी ग्रुपिंग है। कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर, 58 कंट्रीज हैं, और पर्पस क्या है इकट्ठा आने का, ये, ठीक है, और उनके ये सेक्रेटरी जनरल हैं,
ठीक है, उसके बाद मिस्टर नशीद सेड इंडियाज कमिटमेंट टू इंस्टॉलिंग 500 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज एंड रिड्यूसिंग एमिशंस बाय 45% सजेस्टेड दैट इट वाज ऑन ट्रैक एज फॉर मीटिंग द कमिटमेंट्स. तो 2015 की जो कमिटमेंट्स है उस पर हम ट्रैक पर हैं क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया है कि इतनी हम एनर्जी मतलब कर देंगे. तो यहाँ से एक अलग ही क्वेश्चन बनता है जो हम लिख लेंगे इंडियाज कमिटमेंट to install India's commitment to installing 500 gigawatt of electricity from non-fossil fuels sources and reducing emissions by 45%. ये हमारा एम है और इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है कि कितना हम इलेक्ट्रिसिटी 500 गीगावाट कह रहे हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे. नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? रेन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे. रेन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सॉरी विंड सन वाटर, ठीक है ना. रेन्यूएबल सोर्सेज, पेट्रोल पे एक बार गाड़ी चलाई खत्म, ठीक है ना. बट अगर हम सन सोलर पे चला रहे हैं तो चलती रहेगी. तो मतलब रेन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करते हुए हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाएंगे और 45% एमिशंस को कम करने की कोशिश करेंगे, ये इंडिया बोल रहा है. अब आगे चलेंगे. आप लूजेस ऑल सीट्स इन पोल्स गेट फ्यूअर वोट्स देन नोटा, ठीक है. व्हाट इज नोटा? अब देखिए नोटा जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है नोटा इज नन ऑफ द अबव. नोटा इज नन ऑफ द अबव. None of the above. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी को कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो वो नोटा का बटन दबा के आ सकता है इलेक्शंस में. Has been provided as an option to the voters of India in most elections since 2009, ठीक है ना. Provided as an option to the voters of India since 2009. क्यों प्रोवाइड करी जा रही है? ठीक है, डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन 2013 टू यूज नोटा. तो ये मतलब यहाँ पर बोल दिया तो वो पक्का ही हो गया. वैसे 2009 में कुछ में थी, बट यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, लोकसभा में भी, इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में भी यूज होने लग गया था. लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है जी. तो ये क्या है कि पहले भी हो रहा था 2009 से, कुछ जगह पे यूज़ हो रहा होगा, एंड 2013 से तो जब ये जजमेंट आई तो हर जगह. अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है ना. एक्सप्रेसिंग अ प्रेफरेंस फॉर नन ऑफ द सिटीजन कैन चूज नॉट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट who are contesting the elections. मतलब उसको कहते हैं कि मुझे इनमें से किसी के ऊपर भी कुछ है ही नहीं है, सब बेकार, ठीक है ना. तो ये पता होना चाहिए कि नोटा क्या है. नन ऑफ द अबव इसका फुल फॉर्म है. 2009 से यूज हो रही थी. सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट से ये लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शंस में आने लग गई, और इसका मतलब क्या है ये हमने यहाँ पर लिख लिया है. Highest cases of sexual violence make Delhi most unsafe for women. Delhi is the most unsafe metropolitan city for women in the country according to National Crime Bureau Records Bureau. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे Delhi is the most unsafe. Delhi is the most unsafe metropolitan city for women in the country according to NCRB, जिसकी फुल फॉर्म हमने अभी लिखी थी. हर रोज कितने रेप केसेस हो रहे हैं? ऑन एन एवरेज 3 रेप केसेस डेली. ऑन एन एवरेज 3 रेप केसेस डेली.
The Crime in India report released on Sunday revealed that the city records so many against women. ठीक है, तो ये कौन सी रिपोर्ट आई? Crime in India report के अकॉर्डिंग. कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? Crime in India report released. ठीक है जी, ओके. ये है दिल्ली का. एक्सपर्ट्स टीम टू राइट हिस्ट्री ऑफ 26 टेम्पल्स इन तमिलनाडु. ठीक है, हिंदू रिलीजियस, सॉरी, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टीम ऑफ हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू पेन द हिस्ट्री ऑफ ट्वेंटी सिक्स टेम्पल्स इन तमिलनाडु. अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सी स्टेट ने अपॉइंट किए हैं तमिलनाडु ने 26 टेम्पल्स की हिस्ट्री लिखेंगे ये. ठीक है, एज पर द ऑर्डर थाला वरादार वुड इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस एंड ये सब कुछ, मतलब बहुत पूरी डिटेल्स जो हिस्ट्री है कुछ जो रिलेटेड है वो इंक्लूड करेंगे ये. ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन तमिलनाडु वाला ही इसमें से बनेगा. अब यहां पर अगेन स्टेट बेस्ड क्वेश्चन, हैकाथॉन. हैकाथॉन ये हम यहां से नोट करते हैं, रुको. केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल लॉन्च्ड जीरो वेस्ट हैकाथॉन. अब ये जीरो वेस्ट हैकाथॉन क्या है? ठीक है ना, इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू हेल्प लोकल बॉडीज टैकल वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस. ठीक है ना, तो यहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं कि मतलब लोगों से पूछे कि अच्छा तुम बताओ कि कैसे वेस्ट को मैनेज किया जाए. लोकल बॉडीज, पंचायत लेवल पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल्स वेस्ट को मैनेज करें. ये हैकाथॉन कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन सी स्टेट कंडक्ट कर रही है? केरला कंडक्ट कर रही है. अब इंडिया डिसेबिलिटी, देखिए ये भले एडिटोरियल्स आते रहते हैं, जैसे कोई भी अगर किसी डिसेबिलिटी की स्कीम पे काम कर रहा है तो वो उसके ऊपर एडिटोरियल लिख देता है और साथ में इंडियन गवर्नमेंट का भी बता देता है कौन सी स्कीम्स और क्या है. तो यहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो जो भी डिटेल्स हैं वो नोट कर लेंगे. डिसेबिलिटी में वो कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, न्यूट्रिशन की भी इशू आ जाता है अगर वो डिसेबल्ड है क्योंकि वो अर्न नहीं कर सकते. बहुत सारी जॉब्स हैं वो डिसेबल्ड नहीं कर सकते. तो इसमें क्या कर रहे हैं, द इन इंडिया द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव वेरियस स्कीम्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अ यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. इंडिया में क्या है, सबसे पहले इंडियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज UDID. UDID क्या है? UDID is unique ID for persons with disabilities. ठीक है ना, ये किसका पार्ट था? Established as part of the rights of persons with Disabilities Act 2016. ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट इज इंडियन स्टेट गवर्नमेंट UDID. ठीक है ना, तो UDID है हमारे पास डिसेबल्ड लोगों के लिए. उसके बाद और कौन सा, एक स्पार्क प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. स्पार्क प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, स्पार्क प्रोजेक्ट क्या है? ILO. तो स्पार्क प्रोजेक्ट ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और फिर क्या है,
International Fund for Agricultural Development, ठीक है ना, that is IFAD, ठीक है, in Maharashtra implementing Spark. Now what is Spark? Sparkling Disability Inclusive Rural Transformation Project. Through this project, persons with disabilities were put in the lead, being identified from the villages and trained as disability including facilitators. So disabled लोगों को facilitators बनाया, community के अंदर self-help groups create कर सके, awareness create कर सके, ठीक है, livelihood create कर सके, इसलिए ठीक है, तो यहाँ पे short में लिखेंगे training disabled as facilitators who further फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर्सन विद डिसेबिलिटी केयरगिवर्स, ठीक है, रेज अवेयरनेस, टू फॉर्म नहीं, फर्दर रेज अवेयरनेस, ठीक है ना, कि मतलब डिसेबल्ड को कैसे इंक्लूड किया जाए, कैसे बैरियर्स खत्म करे जाए डिसेबल्ड लोगों के लिए, उसमें काम कर रहे हैं. तो इतना ही पता होना चाहिए, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. 135 चाइनीज बोट स्पॉटेड नियर रीफ ऑफ फिलीपींस. देखो, फिलीपींस और चाइना के बीच में जो उसका साउथ चाइना सी का जो इशू है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए. तो चाइना जो है वो कहते हैं सारा साउथ चाइना सी जो है वो मेरा है, ठीक है ना. फिलीपींस कहते हैं जो मेरा मेरी टेरिटोरियल टेरिटरी का पार्ट है वो तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा. तो इनके बीच में लड़ाई होती रहती है. तो यहां पर फिलीपींस सेड मोर देन 135 Chinese vessels, ठीक है, were within the boomerang shaped Whitsun Reef, which the Philippines calls Julian Felipe Reef around 120 kilometer west of Palawan Island. ठीक है ना, तो ये वहां पर हुआ. विट्सन इज मोर देन 1000 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट मेजर चाइनीज लैंडमार्क ऑफ हाइनन आइलैंड. ठीक है, तो ये ऐसे ही कर रहे हैं. बूमरैंग शेप क्या होती है, ये वाली शेप, दिस इज बूमरैंग शेप, ठीक है ना. तो ये इनके बीच में हुआ, कौन से आइलैंड के ये हुआ, ये जूलियन फिलिपे रीफ बोलते हैं फिलीपींस इसको, वैसे व्हाइटसन रीफ बोलते हैं, इसके अराउंड हुआ, ठीक है. इंडिया अग्री टू विदड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम मेल सेज म्यूजू आफ्टर मीटिंग मोदी, ठीक है ना. तो यहां पे लिखेंगे इंडिया हैज अग्रीड the request, India has agreed the request by New Maldives government to withdraw 75 Indian military personnel stationed on islands to work on humanitarian help, humanitarian operations. अब यहाँ पे देखो यार, इसकी ना background है जो समझनी पड़ेगी. Maldives के में elections हुए, ठीक है ना, and जो present president है वहां के वो कौन है, मोहम्मद मुइजू. ये अभी अभी power में आए हैं और इनका one of the major agendas, जब ये power में आए इनका agenda क्या था, कि मैं जो Indian troops बैठे हैं, जो Indian soldiers Maldives में बैठे हैं, मैं उनको वहां से निकाल दूंगा, ठीक है. अब ये ट्रूप्स क्या कर रहे हैं, ये कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं, ये वहां पे ह्यूमैनिटेरियन हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है,
हमने इनको हेलीकॉप्टर्स और कुछ ड्रोन कुछ डॉर्नियर्स जो हैं, जो एक टाइप ऑफ प्लेन है, वो दिए हुए हैं, वो हमारी मिलिट्री वहां पर चला रही है। ठीक है, तो अब हमने बोला ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए तो हम अपने बंदे वापस ले आएंगे। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है, ये जो अब प्रेजेंट बन गया, ये इंडिया आउट कैंपेन का पार्ट था, मतलब उस पार्टी को बिलोंग करता है जिसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, यही कि मिलिट्री के बाहर रखेंगे, चाइना की तरफ ज्यादा डिविएट होते हैं। ठीक है ना, इंडिया की तरफ नहीं, जो इससे पहले प्रेजिडेंट थे वो इंडिया की साइड थे। ठीक है जी, द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम जीन्स होते क्या हैं, जो हेरिडिटी होते हैं, जो हम पेरेंट्स से लेते हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है, पहले नहीं हो पाती थी पूरी पॉपुलेशन की, अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री में कहा जाता है कि अलग अलग जीन्स हैं, तो उसी के हिसाब से मेडिसिन, उसी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मे बी वो एक टाइप के लोगों पे हेल्प करें ट्रीटमेंट करने में, दूसरे पे ना करें। ठीक है, और बहुत सारी हमें कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, इन द लास्ट डेकेड जीनोमिक्स हैज़ अंडरगॉन अ रेवोल्यूशनरी शिफ्ट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑदर क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हम, रेवोल्यूशन आई है जीनोमिक्स के अंदर बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई है। दैट हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव थ्रूपुट एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ होल जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की भी करने लग गए हैं। यूके अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ, ठीक है, रिसेंटली यूके अनाउंस्ड द कंप्लीशन ऑफ हाफ अ मिलियन होल जीनोम सीक्वेंसेस। दैट इज ओनली 0.7% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। तो किसने की है, यूके ने अनाउंस किया, मतलब ब्रिटेन ने। ठीक है, अब यहाँ पे एन अर्ली एफर्ट टू यूज लार्ज स्केल पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडीज वॉज इनिशिएटेड इन, ठीक है, अर्ली एफर्ट टू यूज लार्ज स्केल पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडीज इनिशिएटेड बाय Iceland by Decode Genomics in 1996। ठीक है ना, तो ये तब वहां पर हुआ था, आइसलैंड में ये स्टार्ट हुआ था। इंडिया में भी इस चीज की बात होती रहती है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है जी, और मैंने इसका बता भी दिया क्यों करते हैं। अब यहां पर बात करेंगे एडल्ट्री की। ठीक है ना, क्या एडल्ट्री को वापस से क्राइम बनाने वाली है इंडियन गवर्नमेंट, तो इसमें बात करते हैं एडल्ट्री की। लास्ट मंथ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स एग्जामिनिंग 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स। हमें पता है कि 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स पे डिस्कशन चल रही है। सो व्हाट इज एडल्ट्री, एडल्ट्री क्या होता है, हु एवर हैज सेक्चुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन हु इज एंड हुम ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ अनदर मैन विदाउट द consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery। अगर मैं मोटा मोटा करूँ, किसी और की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना इज वॉट इज एडल्ट्री एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर टर्म। ये सब है, तो एडल्ट्री क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ पे हम एडल्ट्री की डेफिनेशन लिख लेते हैं, अडल्ट्री इज सेक्सुअल इंटरकोर्स with someone else's wife। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मतलब वो किसी और की वाइफ है। ठीक है, adultery is this। अब adultery is no more an offense in India, but जो हमारे नए criminal law bills जो हैं वो discuss हो रहे हैं, उसके अंदर कहा जा रहा है कि adultery वापस आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि criminal law जो है वो पूरा का पूरा change हो सकता है इंडिया के अंदर। बहुत सारी नई चीज़ें add होने वाली हैं और पुरानी चीज़ें delete होने वाली हैं, और उसके अंदर बात चल रही है कि जो adultery जो सुप्रीम कोर्ट ने delete कर दिया था वो हम वापस से लेकर आ सकते हैं। Now,
This comes after a 5-judge constitution bench of the Supreme Court unanimously decriminalized adultery in, matlab, it is no more an offense, in 2018 on several grounds. Theek hai? The committee reasoned that adultery be criminalized in a gender neutral manner. Ab jo committee discuss kar rahi hai ye wale naye bills, wo kya keh rahi hai? Gender neutral manner mein aap isko ऑफेंस बना लो. ये हम वापस आकर के नोट करेंगे, बट अभी यहाँ पर चीज़ें समझनी पड़ेंगी नोट करने से पहले. कमिटी सजेस्टेड दैट बी रीइंस्टेटेड. ठीक है, उसके बाद एडल्ट्री शुड नॉट बी अ क्राइम. इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज विच इज़ अ कॉम्पैक्ट बिटवीन टू पर्सन. इफ द कॉम्पैक्ट इज ब्रोकन द अग्रीव स्पाउस में सू फॉर डाइवोर्स और सिविल डैमेजेस. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था कि जो सेक्शन 497 IPC हुआ करता था, जो कि एडल्ट्री को डिफाइन करता और पनिशमेंट बताता था. ठीक है, ओनली पैनलाइज द मैरिड मैन एंड रिड्यूस द मैरिड वुमेन टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. वो कैसे होता था? वो ऐसे होता था, यहाँ पर हम पढ़ेंगे. ठीक है ना, द ऑफेंस इम्पोज कल्पेबिलिटी ऑन अ मैन हु इंगेज इन सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अनदर मैनस वाइफ एंड वॉज पनिशेबल विद द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 years. हाउएवर द वाइफ हु हैड कंसेंटेड टू सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ मैन हु वॉज नॉट हर हस्बैंड वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. मतलब जो बंदी ए और बी है, ठीक है, ए ने बी के साथ सेक्स किया और बी जो है वो सी की वाइफ है, ए के बी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते. ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे इसको, बहुत जरूरी है. वाइफ हु हैड कंसेंटेड टू सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ मैन हु वॉज नॉट हर हस्बैंड वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. द प्रोविजन ऑल्सो वॉज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू अ मैरिड मैन इफ ही इंगेज इन सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एन अनमैरिड वुमेन और विडो. ठीक है ना, तो प्रोविजन मैरिड मैन को एप्लीकेबल नहीं था अगर वो अनमैरिड वुमेन के साथ या विडो के साथ सेक्स करता है, विच इज नॉट राइट. अगर आप आउट ऑफ मैरिज सेक्स कर रहे हो तो इट इज एन ऑफेंस. ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि एडल्ट्री होनी चाहिए तो उसके अंदर जो वाइफ जो बी है, अगर वो भी कंसेंट, उसको भी तो पता है ना कि ए किसी का हस्बैंड है, तो वो भी, तो वो कह रहे जेंडर न्यूट्रल, मतलब कोई भी अगर अपनी मैरिज के बाहर सेक्स करता है तो वो एडल्ट्री माना जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे कमिटी सेज The committee on new criminal bills says adultery as an offense should be reintroduced and be gender neutral. इसमें क्या कह रहे हैं, any of the spouse having sex outside marriage should be punished. ठीक है ना, मतलब ये तो है ही है, और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो भी मे बी क्या डेफिनेशन बनती है, बट हाँ जेंडर न्यूट्रल की बात यहाँ पर हो रही है. ठीक है, जेंडर न्यूट्रल की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये हमें इतना ही पता होना चाहिए, इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जजमेंट के थ्रू ये स्ट्राइक ऑफ हुआ था. दिस इज इम्पॉर्टेंट, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में. अडल्ट्री वॉज डीक्रिमिनलाइज, अडल्ट्री वॉज स्ट्रक ऑफ the IPC in Joseph Shine versus Union of India in 2018. बढ़िया, ये आपको पता होना चाहिए. चलिए आगे चलेंगे. Why is Facebook parent Meta suing the US Federal Trade Commission? क्यों? Usually competition regulators investigate trade practices. तो competition regulate, देखो ये तो पता ही है कि market के अंदर, businesses के अंदर competition होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, for example अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, मान लो आपको कहीं travel करना है और पूरे इंडिया में एक ही taxi service है. ठीक है, आपको उसी से करना पड़ेगा, वो जो मांगेगा आपको देना पड़ेगा. ठीक है, is it right? But
कहीं ना कहीं मल्टीपल हैं, आप हर किसी से रेट पूछ सकते हो. सिमिलरली बिस्किट का पैकेट खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है. अगर ह्यूंडई आपको कहती है मुझे तुझे कार नहीं बेचनी, आप उसको कह सकते हो कि ठीक है मैं किसी और से ले लूंगा, मत बेच मुझे, आपको उसकी महंगी लग रही हो. ऑप्शन, तो मार्केट में ऑप्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऑप्शन होंगे तो कॉम्पिटिशन होगा. तो कॉम्पिटिशन खत्म नहीं होना चाहिए, और उसके लिए भी रेगुलेटर्स होते हैं. तो यूएस के अंदर तो यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन है, वो यही देखता है. ठीक है, अब यहाँ पर मेटा ने क्यों सू करा है. मेटा इज फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का पापा. ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप थ्रेड्स का. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इनको इतने पैसे देने पड़े थे, $5 बिलियन मेटा को. ठीक है ना, प्राइवेसी सेटलमेंट विच वॉज मेड इन 2018 इन ब्रॉड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस. द $5 बिलियन पेनल्टी अगेंस्ट फेसबुक वॉज फर्स्ट नाउ इन 2019 बट इज रेफर टू एज 2020 प्राइवेसी सेटलमेंट. The FTC described it as the largest ever imposed on any company. तो ये इन्होंने इनके साथ सेटिंग हुई थी सोशल मीडिया कंपनी के साथ, इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट करे थे. ठीक है, the FTC alleged that Meta misled parents about the Messenger Kids app and misrepresented how some app developers could assess private user data. तो private user data assess कर सकते थे. ठीक है, उसको बेचा होगा और ये सब करा था. तो data जो है, जो आपका data है, अगर उसका कोई misuse कर रहा है, आपसे बिना पूछे कुछ उसको कर रहा है, तो that is wrong. तो वो इन्होंने किया. ठीक है ना, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं मेटा वाले कि हमें ना, हमारे साथ इन्होंने वो नहीं करी, बार्गेनिंग नहीं करा. ठीक है, हमें वो बार्गेनिंग नहीं किया, तो इसलिए अब हम जो हैं इनके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं. तो अभी अगर डिटेल में और आया तो पढ़ेंगे, नहीं तो loggery.in पर आप हमारे लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स के. उसमें 6 to 7 hours के लेक्चर्स में आपका फुल मंथ कवर हो जाएगा. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक दैट आउट. दैट्स इट, एजुग्री साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय एंड टेक केयर.